हेलो गाइस, सो इट्स अ डू और डाई गेम फॉर अर्जेंटीना इन दिस वर्ल्ड कप गाइस अगेंस्ट मेक्सिको। हमें पता ही है कि वहाँ पे वो सऊदी अरेबिया से 2-1 से हार गए थे, तो इवेंचुअली ये नॉकआउट गेम ही बन चुका है अर्जेंटीना के लिए टू क्वालिफाई फॉर राउंड ऑफ 16। आगे आने वाले दोनों ही मुकाबले, मतलब आज का मेक्सिको के अगेंस्ट और नेक्स्ट मैच जो पोलैंड के अगेंस्ट होगा, अगर वो दोनों ही मुकाबले जीतते हैं तो दे विल माइट बी फिनिश टेबल टॉपर एंड फिर उसका रास्ता आसान है। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस अर्जेंटीनियंस लाइनअप अगेंस्ट मेक्सिको की किस तरह से क्या क्या चेंजेस, जो सऊदी अरेबिया के सामने कुछ गलतियाँ हुई थी स्केलोनी से स्टार्टिंग 11 चूज करने में, तो बात करते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले आई थिंक गोलकीपर से बात करेंगे, तो एमिलानो मार्टिनेस आई थिंक गोल श्योर शॉट स्टार्टर रहेगा इस मैच में, उसमें कोई डाउट है नहीं। आई थिंक वहाँ पे कोई इश्यू था नहीं। बैक फोर में देखें तो आई थिंक बैक फोर में मेरे को चेंजेस दिख रहे हैं, क्योंकि लास्ट लाइनअप हमें पता ही थी टेग्लिफिया को, फिर अपना ओटेमेंडी था, फिर अपना ये रोमेरो था एंड मोलिनिया था। तो मैं तो यहाँ पे मतलब चाहूँगा कि वैसे तो चारों को चेंज किया जाए, लेकिन मैं मतलब पेजेला एंड लिसांड्रो मार्टिनेस के साथ जाना चाहूँगा, लेकिन ऐसा स्केलोनी करेगा नहीं, वो मेरे को भी पता है। तो आई थिंक ओटेमेंडी एंड लिसांड्रो मार्टिनेस की सेंटर बैक पेयर के साथ आप जा सकते हो। फुल बैक्स में दोनों ही चेंज करना चाहता हूँ, और मेरे फुल बैक्स रहेंगे अगर एकुना एंड इस तरफ से फोएत, वहाँ पे मोन्टियाल भी आपके पास ऑप्शन है, लेकिन आई स्टिल गो विथ फोएत। आई थिंक जिस तरह से उसकी टेक्निकल एबिलिटी है आपको चाहिए वो राइट फ्लैंक पे। आई थिंक लास्ट मैच में हमने देखा कि मोलिना काफ़ी वहाँ पे मतलब उसका कोई आउटपुट नहीं था अटैक में भी उस तरह से, एंड डिफेंसिव वाइज भी उतना ज़्यादा सॉलिड मेरे को लगे नहीं। तो फोएत विल बी गुड चॉइस एंड राइट साइड। एंड अगर लेफ्ट साइड की हम बात करेंगे, लेफ्ट साइड तो आई थिंक टेक्लिफिया को से आई थिंक एकुना के क्रोसिस भी काफ़ी बढ़िया है और उसका अटैकिंग आउटपुट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, तो आई विल गो विथ एकुना। लेकिन आई स्टिल थिंक कि मेरे को लगता है कि दोनों को फुल बैक्स को चेंज करेगा नहीं स्केलोनी, वो एक ही चेंज मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे स्केलोनी करेगा। उसके बाद अगर गाइस मिडफील्ड की बात करते हैं तो आई थिंक यहाँ पे भी चेंजेस ज़रूरी थे, लास्ट मैच में जो गलतियाँ की है। आई थिंक लास्ट टाइम वहाँ पे पापू गोमेज पेरेदेस एंड रोड्रिगो डिपोल के साथ गया था, तीनों का वर्स्ट परफॉर्मेंस था उसमें कोई डाउट है नहीं, लेकिन आई थिंक रोड्रिगो डिपोल स्टिल स्टार्ट करेगा, आई थिंक वो उसको कंटिन्यू करेगा। उसके अलावा आई थिंक पेरेदेस को मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे आप एंजो फर्नांडिस को डाल सकते हो, मेरे को लगता है, या फिर गुदो रोड्रिगेस, ये दोनों ऑप्शन है आपके पास वहाँ पे डिफेंसिव के रोल पे। आपके पास पापू गोमेज की जगह पे आपके पास मैकेलिस्टर के रूप में एक अच्छा ऑप्शन है, तो आई विल गो विथ मैकेलिस्टर, गुदो रोड्रिगेस एंड रोड्रिगो डिपोल, क्योंकि आपको फिजिकलिटी भी चाहिए होगी। एंजो फर्नांडिस अच्छा है नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन ही इज स्टिल यंग एंड मेरे को लगता है कि वहाँ पे गुदो रोड्रिगेस की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो या तो गुदो रोड्रिगेस से आप स्टार्ट करवाओ, या तो आप फिर अपना ये एंजो फर्नांडिस के साथ चले जाओ, दोनों में से किसी के साथ चले जाओ, लेकिन पेरेदेस से मस्ट स्टार्ट करवाना प्लीज़ स्केलोनी, इतना याद रखना यार। मैकेलिस्टर की आई थिंक जगह बनती है वहाँ पे, हमने मतलब देखा लास्ट मैच में कि लो सेल्सो का क्या रोल रहता था, आई थिंक ही हैज़ बीन मिस्ड वेरी बैडली इन लास्ट मैच अगेंस्ट सऊदी अरेबिया। तो वहाँ पे मैं चाहूँगा कि आप मैकेलिस्टर के साथ जाइए, तो ये मेरी मिडफील्ड रहेगी, मैकेलिस्टर, गुदो रोड्रिगेस या एंजो फर्नांडिस में से कोई एक, और इस तरफ रोड्रिगो डिपोल। अगर आगे फ्रंट थ्री की बात करें तो आई थिंक यहाँ पे मैं चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा, वो भी आई थिंक जूलियन अल्वारेज़ स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन आई स्टिल थिंक कि वो यहाँ पे स्केलोनी फ्रंट थ्री वही खिलाएगा मेरे हिसाब से, लोरतारो मार्टिनेस, लियोनेल मेस्सी एंड अपना डी मारिया, तो इन तीनों के साथ ही वो मेरे को तो फ्रंट में आगे जाते हुए दिख सकते हैं। देखिए मेक्सिको की साइड भी काफ़ी सॉलिड है, और स्केलोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि मार्टिनो की साइड काफ़ी मतलब तगड़ी साइड है और वो अपना प्लेइंग स्टाइल चेंज नहीं करेंगे, और अच्छा प्लेइंग स्टाइल। लेकिन वहाँ पे अर्जेंटीना के साथ रिकॉर्ड भी है कि पिछले 10 मुकाबलों में 7 मुकाबले अर्जेंटीना ने जीते हैं अगेंस्ट मेक्सिको एंड 3 मुकाबले ड्रॉ किए, और 3 बार दोनों ही टीमें वर्ल्ड कप में भिड़ चुकी है, तीनों ही बार अर्जेंटीना ने मेक्सिको को हराया है। लेकिन हमें पता है कि मेक्सिको का जो कीपर है ओचिया, वो भाई वर्ल्ड कप में कुछ अलग फॉर्म में आता है, और उसने लास्ट मैच में पोलैंड के सामने क्रुशियल पेनल्टी लेवांडोस्की की मतलब सेव की थी, और वहां पे इसीलिए मेक्सिको को 1 पॉइंट मिला था, नहीं तो वो मैच हार जाते। तो हमें पता है कि ओचिया हैज बीन अप टू द मार्क इन दिस मैच, और उसको बीट करना काफी मुश्किल होगा, लेकिन लेट्स सी कि मेस्सी एंड हिज साइड किस तरह से इस मैच में जो लास्ट मैच में गलतियां की है, आई थिंक किसको उसको सुधार दे। और उसमें एक मैं देखना चाहूँगा कि जो लास्ट मैच में हमें इंटेंसिटी वाइज कम दिखी थी अर्जेंटीना, अब मेरे को लगता है कि इस मैच को आपको हाई इंटेंसिटी के साथ आना चाहिए, वर्टिकलिटी आपको ऐड करनी पड़ेगी ज़्यादा, लॉन्ग बॉल आप खेलिए ज़्यादा, क्योंकि आपके पास इस तरह से प्लेयर है, और आपको एक जो मेसी के, क्योंकि हमें पता है कि मेक्सिको का प्लान मेसी को मार्क करने का रहेगा, तो आपको अनदर मतलब आपको डिफरेंट लाइन ऑफ ब्रेक्स देखने पड़ेंगे कि किस तरह से आप दूसरे तरीकों से वहाँ पर अटैक जनरेट कर सकते हो, क्योंकि मेसी 3-4 डिफेंडर को एक साथ वो
अट्रैक्ट कर सकता है, तो वहाँ पे दोनों साइड पे जगह बनेगी और वहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट प्लेयर को वहाँ पे मूवमेंट करनी पड़ेगी, जैसे डी मारिया को हो गई, जैसे लोरतारो मार्टिनेस को हो गई, रोड्रिगो डी पॉल को हो गई, तो इन सब की मूवमेंट काफ़ी वहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाएगी कि हाफ स्पेसिस पे आप वहाँ पे, क्योंकि हमें पता है मेक्सिको विल प्ले लिटिल बिट लो मिड और लो ब्लॉक बोल सकते हैं कि वहाँ उस रेंज में ही खेलेगी। तो लेट्स सी कि किस तरह से स्केलोनी इसमें टैक्टिक्स चेंज करता है या फिर किस तरह से गेम प्लान के साथ आता है। उसने मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो ये बोला कि कुछ ज़्यादा चेंजेस मैं करूँगा नहीं, लेकिन आई स्टिल थिंक कि इफेक्टिवनेस एंड आपको एक इंटेंसिटी वहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी अपने मैच में, अदरवाइज मेक्सिको आपको हर्ट कर सकती है। तो दिस इज अबाउट मेक्सिको वर्सेस अर्जेंटीना गाइज, मेरा प्रेडिक्शन रहेगा इस मैच में 2-1 विक्ट्री टू अर्जेंटीना। तो लेट्स गो अर्जेंटीना, वामोस अर्जेंटीना, एंड लेट्स स्टार्ट अवर वर्ल्ड कप इन अ बेटर वे और एक विक्ट्री के साथ इस मैच को हम देखते हैं। तो गाइज आप भी अपना प्रेडिक्शन मेरे को कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तो दैट्स इट गाइज फ्रॉम माई साइड, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।